आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पापा, रामू काका, आप दादा बन गए हैं, मैं पापा बन गया हूँ। हमारे घर राजकुमार आया है। अरे अरे, देखना भाई, ध्यान से, मेरा मुन्ना गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए। मेरी आंखों का तारा है मेरा मुन्ना। सर सर, बस बस, 10 दिन और दे दीजिए, मैं मुन्ना की फीस जमा कर दूंगा। अभी उससे बस से मत उतारिए ना प्लीज। मम्मी और पापा खुद पुराने कपड़े पहनते, मुन्ना को नए कपड़े लाकर देते, खुद फटे पुराने जूते चप्पल पहनते और मुन्ना के लिए नए नए स्पोर्ट्स के जूते लाकर देते। खेतों में बड़ी मशक्कत करते हुए अगर कोई पूछ लेता कि अरे भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो मम्मी पापा बड़े प्यार से जवाब देते कि अभी मेरा बेटा कॉलेज में है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, बड़ा आदमी बनेगा, फिर सारे काम बंद, अभी तो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर दे। भूल गया मुन्ना? क्या तू भूल गया है मम्मी पापा का प्यार, दादा दादी का प्यार, उनकी छोटी छोटी डांट? कोई तुम्हें कुछ बोल देता तो तुम्हारी माँ सारा घर सिर पर उठा लेती थी। पड़ोसी का कोई भी मायका लाल हो, उससे लड़ाई कर लेती थी। वो खुद परेशान हो जाते पर तुम्हें सारी खुशियाँ दे देते। अगर तुम पर छोटी सी भी आँच आ जाए तो उनको कितना दर्द होता था, वो तुम पर छोटी सी आँच भी नहीं आने देते थे। क्या तुम भूल गए का वो प्यार, वो त्याग, वो बलिदान, वो उम्मीदें जो वो तुमसे लगाए बैठे हैं? नहीं। अरे तो क्यों बैठा है भाई, क्यों कुछ बड़ा नहीं कर लेता जो उन्होंने भी तुम्हारे लिए नहीं सोचा होगा? अरे तो क्यों पबजी, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है? अरे तो क्यों कॉलेज में गलत दोस्तों के साथ गलत आदतों में लगा हुआ है? क्यों लड़कियों के लिए लड़के अपने माँ बाप को भूल रहे हैं? अरे क्यों भाई? पर सोचने की जरूरत है दोस्तों, हमारे पास तो अभी टाइम है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की आधी से ऊपर जिंदगी निकल गई है। क्या हम अभी भी चाहते हैं कि वो इसी तरह धूप में कड़ी मेहनत करें? क्या हमें उनको ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहिए जो उन्होंने हमें बचपन में दी थी? क्या इसीलिए उन्होंने हमें इतना बड़ा किया? अरे बस, अब तो सही ट्रैक पकड़ ले और कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर हमारे पेरेंट्स को, हमारे देश को हम पर नाज हो। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी और हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे पेरेंट्स को ऐसी जिंदगी दें जो उन्होंने भी सपने में नहीं सोची हो। तो लग जाओ, जुट जाओ और सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो, नथिंग लेस देन सक्सेस। दोस्तों, आज वीडियो को शेयर करने का नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो दिल पर लगा हो और आप ये समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस वीडियो को शेयर करूं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।